हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ झाझड़िया परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल अपन ने दिशा में, डायरेक्शन में बेसिक के साथ एक पॉइंट पढ़ा था, वो आपको कैसा लगा वो आपने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया। लेकिन जो विद्यार्थी, जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पॉइंट को जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले आप पीछे वाली क्लास का जो वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि अपना जो ये आज का वीडियो बनाएंगे, आज की जो क्लास है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप यदि कल की क्लास नहीं देखोगे, आज ही की क्लास देख रहे हो तो भी समझ में आएगा, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो पीछे वाला देख के फिर अपनी आज की क्लास ये देखेंगे। तो साथियों, आप आज की क्लास के लिए मैं आपको पहले कह रहा हूं कि इसको लाइक करना ना भूलें। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था। पहला पॉइंट अपना क्या था? जब अपने पास क्या दे रखी हो? दूरी कुछ हो। जितनी भी दूरियां दे रखी हो, उसमें किसी भी एक दूरी का मान कुछ हो तो भी चलेगा। जैसे पांच बार घूम रहा है, पांच बार दूरियां चलकर घूम रहा है, जिसमें से चार दूरियां अपने को दे रखी हैं और एक दूरी के लिए वो कह रहा कुछ दूर चलकर, तो जहां पे कुछ आ जाता है, एक दूरी में भी कुछ आ जाता है, तो यही तरीका लगेगा। तो इसमें क्या था? जब दूरी कुछ दे रखी हो, और दो कंडीशन थी, आरंभिक दिशा और क्या था? अंतिम दिशा। आरंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा पूछी जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था? डायग्राम नहीं बनाना। लेफ्ट और राइट, दायां और बायां बताएगा अगला। लेफ्ट में कितने एंगल हैं, राइट में कितने एंगल हैं, उनको काट के जो लास्ट में बच जाता है, उतना डिग्री जो अपने को दिशा दे रखी है, उस दिशा को घुमा देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे ध्यान देना, जो अपना सेकंड पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान पुलिस में यहां से क्वेश्चन आता है। सेकंड पॉइंट क्या है? दूरी तो कुछ है, लेकिन आरंभिक दिशा और अंतिम दिशा नाम यही है, लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या दे रखा था? आरंभिक दिशा दे रखी थी, अंतिम दिशा पूछी थी। यहां पे अंतिम दिशा देगा और आरंभिक दिशा क्या करेगा? पूछेगा। तो ध्यान देना, ये जो काम है ये क्या है? उल्टा है। पहले अननोन, अज्ञात दिशा में जाता है और फिर दिशा का बोध होता है, दिशा का ज्ञान होता है, तो ये काम उल्टा है। यहाँ पे पहले बता के जाता है, यहाँ पे बिना बताए जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जब काम उल्टा होता है तो अपन भी जो प्रश्न दे रखा उसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बेसिकली बात बताता हूँ। अपने को जो लेफ्ट राइट दे रखे थे वो लेफ्ट राइट तो है ही, उनको कैंसिल करना है ही। जो लास्ट में बच जाता है, अपन क्या कर रहे थे पहले पॉइंट में, तो उसी को घुमा रहे थे। लेकिन अब ध्यान रखना, यदि लास्ट में लेफ्ट शेष बचता है कितने भी डिग्री एंगल के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट को कैंसिल कर देना और क्या बच जाएगा? राइट बच जाएगा, क्योंकि आरंभिक दिशा क्या है? अज्ञात। यदि राइट बचता तो राइट को कैंसिल कर दो और क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? लेफ्ट को क्या बना दोगे? राइट, और राइट को क्या बना दोगे? लेफ्ट बना दोगे। क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखना। एक व्यक्ति अज्ञात दिशा से, कौन सी दिशा से? अज्ञात दिशा से, ध्यान से सुनना, उसके बाद तो आपको स्क्रीन पे मिलेगा क्वेश्चन और उसके बाद अपन उसका हल करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है, वो किस दिशा में निकलता है? अज्ञात दिशा में निकल रहा है। किस दिशा में निकल रहा है? अज्ञात दिशा में निकल रहा है। बात समझ में आ गई?
अब क्या बोल रहा हूँ, अज्ञात दिशा में निकलता और कुछ दूर चलकर 45 डिग्री, कितने डिग्री, 45 डिग्री दाएं घूम जाता, राइट घूम जाता है, फिर कुछ दूरी तय करता है और दो बार बाएं लेफ्ट घूम जाता है, फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखना इसमें, पहले मैंने क्या बोला, कुछ दूरी तय करता है, फिर मैंने क्या बोला, कुछ दूरी तय करता है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये 5 किलोमीटर महत्व नहीं है, क्यों, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और राइट घूम जाता है और देखा जाता है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है, मतलब अंतिम दिशा किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। अब वो प्रश्न क्या बनेंगे, पहले एक बार पूरा डिटो प्रश्न सुन लो। एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा में निकलता है, कुछ दूर चलकर वह 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, फिर कुछ दूरी तय करता है और दो बार बाएं घूम जाता है, अंत में 5 किलोमीटर चलकर वह दाएं राइट घूम जाता है और देखा जाता है कि वह अब दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने अपने घर से किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहेगा, तो वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी। अब देखना इस प्रश्न में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, अपने घर से किस दिशा, यहां क्या लिख रखा है, किस दिशा में, और यहां पे क्या दे रखा है, किस दिशा से। ध्यान रखना इस बात को, राजस्थान पुलिस में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है यहां से क्वेश्चन, पूछा मे जाता है उत्तर देते हो से का, पूछा से जाता है उत्तर देते हो मे का, आपको पता ही नहीं है, आपके सिर्फ एक दिमाग में यह रहता है कि मे भी वही है से भी वही है। ध्यान रखना इस बात का, मे और से में दिशाएं हमेशा क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, मे से का विपरीत होता है, से मे का विपरीत होता है। कहने का मतलब मे और से एक सरल रेखा में होते हैं, किसमें होते हैं, सरल रेखा में होते हैं। कहने का मतलब है मे और से आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखो मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, तो अपने पास क्या दे रखा है, पहले समझ लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं स्क्रीन पर, आप आंसर बताना, एक्सरसाइज करेंगे इस पर। देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको यह करना है कि एक व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था पता नहीं है, आगे कह रहा राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है, तो ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। राइट घुमा कितना, 45 डिग्री, फिर क्या बोल रहा है, दो बार लेफ्ट घुमा, तो एक बार लेफ्ट से 90, दूसरी बार लेफ्ट से 90, फिर 5 किलोमीटर चलकर फिर राइट घुमा, तो राइट घुमा कितनी बार, एक बार, 90 से 90 कैंसिल, 45 से 90 कैंसिल, कितना हो गया 45, कितना बच गया 45, क्या बचा, लेफ्ट बचा है। समझ में आ गई बात, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो पॉइंट है वो अंतिम दिशा दे के आरंभिक दिशा पूछी है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट था इसको क्या कर देंगे, राइट में चेंज कर देंगे, तो 45 डिग्री लेफ्ट को क्या बना दोगे, 45 डिग्री राइट बना दो। समझ में आ रही है बात, अब ये 45 डिग्री राइट बन गया, 45 डिग्री राइट घुमाना है किसको, दक्षिण दिशा को, तो अपने पास दिशा बना लो, ये दिशा, ये क्या है, दक्षिण। अब दक्षिण से क्या घूमना है, 45 डिग्री राइट घूमना है, तो दक्षिण से 45 डिग्री राइट घूमोगे तो राइट किधर आएगा, इधर पश्चिम की तरफ आएगा, तो 45 डिग्री राइट घूमोगे तो अपने पास 45 डिग्री राइट ये रहा, हो गया। ये कौन सी दिशा, दक्षिण, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम,
जो अपने आई है ये दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच की है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे दक्षिण ही पहले क्यों लिखा, ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से बता दी थी। अब अपने पास क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो उसने क्या पूछा, वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, तो किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, दक्षिण पश्चिम में। तो किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, पहले प्रश्न का उत्तर है दक्षिण पश्चिम, किस दिशा में यात्रा शुरू की थी। दूसरा प्रश्न है, वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा से, तो किस दिशा से, उस दिशा से यात्रा की जाती है जिस दिशा को अपन पीछे छोड़ के आते हैं। तो कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, वो पीछे कौन सी दिशा छोड़ के आया है, 180 डिग्री का एंगल बना दो, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास ये दिशा कौन सी है, ये कौन सी है पूर्व, और ये कौन सी है उत्तर। में और से आपस में विपरीत होते हैं, सरल रेखा में होते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अपने पास ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। पहले इसको उत्तर क्यों लिखा, ये बात मैंने पीछे वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताई है। तो वह किस दिशा से निकला था, तो किस दिशा से निकला था, उत्तर पूर्व दिशा से निकला था। बात समझ में आ गई, क्लियर है। किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अन्यथा अपने कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर हैं 9680101818, इन पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, जो आपको उचित लगे वो करें, और आप इन पे भी बता सकते हो। अन्यथा अपने इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस पे लिख के भी बता सकते हो। समझ में आ गई बात, आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे, आपको समझ में कैसा आ रहा है आप ज़रूर बताएंगे, लाइक भी ज़रूर करेंगे। समझ में आई बात। अब मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन देखने हैं, पढ़ने हैं और फिर बताना है। दो दो प्रश्न लिखे हुए हैं, दोनों प्रश्न एग्जाम में एक ही प्रश्न आएगा। अब देखो मैं शुरू करता हूँ, क्या बोल रहा है देखना, जिसने क्वेश्चन पढ़ लिया हो उसको आंसर पता चल गया वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इसका आंसर ये आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर साथ में लगाएं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब देखो अपने पास क्या बोल रहा है, श्रीमान ए, ए क्या है, किसी का नाम है। ए अपने घर से कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, घर से, घर से चलने के बाद तीन बार किधर घूम रहा है, दाएं घूम रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट। कितनी बार, तीन बार, किधर, दाएं। तो तीन बार दाएं, एक बार, दो बार, तीन बार घूम जाता है, फिर बाएं घूमता है। अब कितनी बार बाएं घूमता है कुछ नहीं बता रखा, इसका मतलब एक बार बाएं घूमता है और कुछ दूरी तय करने के पश्चात, दूरी क्या हो गई कुछ पश्चात, अंत में पुनः बाएं घूम जाता है, अंत में पुनः किधर घूमता है, बाएं घूमता है। समझ में आ रही है बात, और पश्चिम दिशा की ओर। अब देखो अपने पास किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चलने लगता है। तो ये जो पश्चिम दिशा की ओर है ये कौन सी दिशा है, अंतिम दिशा, कौन सी है, अंतिम दिशा। इसका मतलब अपने से आरंभिक दिशा पूछी जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो अपने पास देखो, पहले अपन कैंसिल करेंगे 90 से 90 क्या बचा, 90 राइट। तो 90 राइट को कैंसिल करके अपन राइट को क्या कर देंगे, लेफ्ट। तो अपने पास क्या शेष रह गया, 90 डिग्री लेफ्ट। तो अपन 90 डिग्री लेफ्ट घुमा देंगे, कौन सी दिशा को, पश्चिम दिशा को, किस दिशा को, पश्चिम दिशा को। तो अपने पास ये दिशा है, तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व, ये कौन सी है, पश्चिम। राइट हैंड हमेशा पूर्व में होगा, अपना फेस हमेशा उत्तर में होगा, बाकी दोनों दिशाएं आपस में क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। क्या बोल रहा है, 90 डिग्री लेफ्ट, तो 90 डिग्री लेफ्ट, तो पश्चिम से 90 डिग्री लेफ्ट कहां जाएगा, नीचे की ओर। तो 90 डिग्री लेफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण।
वह अपने घर से किस दिशा में निकला था? तो किस दिशा में निकला था? दक्षिण दिशा में निकला था। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? दक्षिण दिशा में। बात समझ में आ गई? फिर वो पूछ रहा है, अपन ने पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, उसने कह रहा है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। समझ में आ रही है बात? किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो जिस दिशा में चलते हैं, जो दिशा अपने सामने होती है, तो किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। लेकिन किस दिशा से, जिस दिशा को अपन पीछे छोड़ गए हैं, तो दक्षिण का अपोजिट क्या है? उत्तर। तो किस दिशा से? तो उत्तर दिशा से। वह अपने घर से निकला था किस दिशा में? दक्षिण में। किस दिशा से? उत्तर दिशा से। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका आंसर बताओ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना ना भूलें। और लेंगे अपन क्वेश्चन। अब देखो अपने पास क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति है, किसी का नाम भी हो सकता है, अपने घर से, जरूरी नहीं है घर से, किसी मॉल से भी निकल सकता है, स्कूल से भी निकल सकता है, अपने घर से कुछ दूर चलकर, देखना दूरी, दूरी क्या है? कुछ। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट लिख लो। कुछ दूर चलकर तीन बार किधर? राइट। तो तीन बार राइट, 90 90 90, तीन बार राइट हो गया। घूमकर 20 मीटर चलता है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि कुछ दूर चला वो, अब वो कितनी दूर चला उस दूरी का नहीं पता अपने को, ना अपन ज्ञात कर सकते हैं। 20 मीटर चलता है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाईं ओर घूम जाता है, बाईं दिशा में, तो बाईं दिशा में मतलब लेफ्ट घूम जाता है। अब कितनी बार नहीं बताया, तो एक बार। घूमकर 100 मीटर चलता है, चलने दो, क्योंकि अपने पास इस दिशा, इतनी इस दूरी का नहीं पता अपने को, ये कितनी दूरी थी। अब अपने पास क्या बोल रहा है, अंत में पुनः बाईं ओर घूम जाता है। अंत में पुनः क्या हो जाता है? बाईं ओर घूम जाता है। तो 90 डिग्री बाईं ओर घूम गया। घूमकर उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अंतिम दिशा है। तो उसने आरंभिक दिशा पूछी है, स्वाभाविक सी बात है। तो 90 90 90 90 कैंसिल, 90 राइट बचा, तो अपन क्या कर देंगे, 90 डिग्री लेफ्ट। कौन सी दिशा को? उत्तर पश्चिम दिशा को। तो अपने पास ये तो अपने पास क्या है? उत्तर। ये अपने पास क्या है? पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम, जो अपने को दे रखी है। उत्तर पश्चिम जो अपने को दे रखी है, उत्तर पश्चिम, यही होगी ना। अब उत्तर पश्चिम को क्या करना है? 90 डिग्री लेफ्ट करना है। तो 90 डिग्री लेफ्ट करोगे तो नीचे की ओर आओगे, 45 और 45 कितना हो गया? यहां पे हो गया। तो ये कौन सी दिशा है? ये है अपने पास दक्षिण। तो इसको अपन क्या नाम देंगे? दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गई बात? तो वह अपने घर से किस दिशा में निकला था? तो किस दिशा में निकला था? मे का उत्तर, किस दिशा में निकला था? दक्षिण पश्चिम दिशा में निकला था। क्लियर है? फिर वो बोल रहा, वह किस दिशा से निकला था, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो मे का अपोजिट, तो मे का अपोजिट ये दिशा, ये देखो ये मे है, तो इसका अपोजिट से ये दिशा, ये उत्तर है, तो ये क्या है? पूर्व है। तो अपने पास ये बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो वह किस दिशा से? तो से का जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा से निकला था। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं। कंप्लीट है? आपके सामने मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं, और उन क्वेश्चन का आप जवाब देना। हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनका जवाब दें। पहला क्वेश्चन तो वही है जो पीछे वाला था, वैसा ही है। इसके अंदर ऑप्शन एग्जाम में मिल जाएंगे, ऑप्शन नहीं दिए। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ऑप्शन दिए हैं 4, तो इसका
अध्ययन गौर से करना है और क्या इसका आंसर होगा आप जरूर बताएं। मैं पहले इस प्रश्न पे आता हूँ, इस प्रश्न पे आता हूँ तो देखो अपने पास क्या बोल रहा है। 6 किलोमीटर, अब ये किलोमीटर चल रहा है अपने को क्या मतलब है, क्या कितना चल रहा है, क्योंकि वो पॉइंट बाद में आएगा, वो पॉइंट नेक्स्ट। अब इससे आगे वाला पॉइंट क्या वो मैं बता देता हूँ आपको, दूरी भी देगा दिशा भी देगा, और आपसे दूरी भी पूछेगा और दिशा भी पूछेगा। तो दूरी और दिशा देगा और दूरी और दिशा ही आपसे पूछेगा। अब यहां से अपने पास क्या हो रहा है, देखो 6 किलोमीटर चलने के पश्चात मैं, अब मैं मेरे लिए भी कह सकता हूँ, जो वीडियो देख रहा है वो अपने लिए खुद के लिए भी कह सकता है, मैं शब्द किसी के लिए भी आ सकता है। अब यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, मैं दाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, दाएं, तो ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट। तो दाएं मुड़ा तो कितनी बार पता नहीं है, तो एक बार मान लेंगे दाएं मुड़ा, और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, कर ली। आगे देखो क्या बोल रहा, तब मतलब 2 किलोमीटर की दूरी करने के बाद, यहाँ पे शब्दों का ध्यान रखना, तब बाएं मुड़ा, तो कितनी बार बाएं मुड़ा, एक बार, 90 डिग्री बाएं मुड़ा, और 10 किलोमीटर की दूरी तय की, बहुत अच्छी बात है। अंत में मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। अब यहां पे देखना, 90 राइट से 90 लेफ्ट कैंसिल, कुछ नहीं बचा, ना राइट बचा है और ना लेफ्ट बचा है, कुछ नहीं बचा। राइट बचता तो लेफ्ट कर देते, लेफ्ट बचता तो राइट कर देते, अब कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या होता, मैंने आपको क्या बताया, जब लेफ्ट और राइट बराबर होता है तो वह घर से जब निकलता है तो वह उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वह निकला था। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो वह अंत में मैं किस दिशा में, उत्तर दिशा में जा रहा था। तो मैंने किस दिशा से और किस दिशा में, तो अब देखो उत्तर दिशा में जा रहा था तो अंतिम दिशा उत्तर दे रखी है, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गए, तो किस दिशा में निकला था, उत्तर दिशा में ही निकला था, यही अपना आंसर है। लेकिन वो कह रहा है मैं किस दिशा से निकला था, तो से इसका अपोजिट हो जाएगा, तो से किस दिशा से, उत्तर का अपोजिट क्या है, दक्षिण, तो किस दिशा से निकला था, दक्षिण दिशा से निकला था। ध्यान रखना कटने के बाद कुछ नहीं बचता है, तो वह उसी दिशा से निकला था जिस दिशा में वह जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा, उत्तर दिशा में, तो किस दिशा में निकला था, उत्तर दिशा में। लेकिन वो पूछे किस दिशा से निकला था, उस दिशा से निकला था जिस दिशा को अपन पीछे छोड़ गया है, या फिर ये मान लो जिस दिशा में अपन जा रहे हैं उसका अपोजिट, तो अपन कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में, तो अपने पास इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण, तो किस दिशा से निकला था, दक्षिण दिशा से निकला था। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, नहीं। अब आगे देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, क्या दे रखा है। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा, जब दूरी और दिशा दी गई हो और दूरी और दिशा ही पूछी जाए। अब देखो क्या दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अब ध्यान देना, दे क्या बोल रहा है, मेरा मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, बहुत अच्छी बात है, आरंभिक दिशा दे दी, आरंभिक दिशा दे दी, कौन सी, पश्चिम, समझ में आ रही है बात। और क्या बोल रहा है, दिशा की ओर, तो निम्न में से, तो निम्न ये ऑप्शन में से, निम्न में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद, मतलब ये क्रम है, पहले लेफ्ट घूमूंगा फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट राइट लेफ्ट, मतलब घूमूंगा, किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुख उसी दिशा में रहेगा, किस दिशा में, जिस दिशा में मैं निकला था, मतलब अंतिम दिशा भी क्या दे रखी है इसकी, पश्चिमी दे रखी है, क्या दे रखी है, पश्चिमी दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब लेफ्ट और राइट पूरा कैंसिल हो जाता है तो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिस दिशा में वह जा रहा था। तो पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में देखना, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, लेफ्ट और राइट, तो पहले ऑप्शन में लेफ्ट कितने हैं, 1 2 3, तो अपने पास कितने लेफ्ट हैं, 3 लेफ्ट। यहाँ पे राइट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आप बताओ
तीन लेफ्ट से तीन राइट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन क्या बचेंगे? दो राइट, और दो राइट का मतलब होता है जिस दिशा में वह जा रहा उसका अपोजिट। तो पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूरब। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना क्या है? गलत। समझ में आ गई बात? पश्चिम का पश्चिम तभी आएगा जब यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा? जीरो। अब बी पॉइंट देखना, बी पॉइंट क्या दे रखा है? लेफ्ट और राइट। बी पॉइंट में लेफ्ट कितने हैं? एक दो तीन चार। लेफ्ट कितने हैं? चार। राइट कितने हैं? एक दो तीन चार। अब देखो, चार लेफ्ट चार राइट, क्या बचा? जीरो। इसका मतलब जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में वह जा रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। एक बार सी को और लेके देखते हैं अपन, तो अपने पास सी पे क्या आएगा देखना। सी में लेफ्ट और राइट, सी में लेफ्ट कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच तो लेफ्ट हो गए। राइट कितने हैं? एक दो तीन, तो इसका मतलब तीन राइट तीन लेफ्ट कैंसिल, दो लेफ्ट बचे हैं। अब दो लेफ्ट का मतलब होता है विपरीत, तो इसका मतलब पश्चिम का विपरीत क्या होता है? पूरब। और अपने को चाहिए क्या? पश्चिम का पश्चिम। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि बी आ गया अपने। हाँ, बी भी अपना नहीं होता तो अपना सही क्या होता? डी हो जाता, लेकिन अपने को बी मिल गया, तो इसका मतलब अपना इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी है। क्या है? बी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कंप्लीट। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा जब वस्तु की दूरी और दिशा दी गई हो और वस्तु की दूरी और दिशा ही पूछी जाए। समझ में आ गई बात? आज की क्लास इतनी। लाइक करना ना भूले, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कैसी लगी। अब चलते हैं। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।